हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न स्टैंडर्ड 9 हिंदी रिवीजन 1। अब हमारा जो रिवीजन है वो हमारे एग्जाम के रिलेटेड है, तो इसमें क्या क्या आएगा, तो शॉर्ट क्वेश्चंस एक एक वाक्य में, फिर एलक्यू लॉन्ग क्वेश्चंस जो दो या तीन सेंटेंस में होगी, फिर कंप्लीट द पोएम जो आपको कंप्लीट करनी है, फिर एक्सप्लेन द पोएम, आपको पोएम दी है वो आपको एक्सप्लेन करनी है, सिमिलर वर्ड्स है, ओपोजिट वर्ड्स है और आइडियम्स है। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं, तो उसमें क्या आएगा, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। सेकंड, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं, दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। नंबर थर्ड, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। नंबर फोर, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। नंबर फाइव, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं, कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। नेक्स्ट, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया, तो उसमें क्या आएगा, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। सेकंड, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। थर्ड, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे, शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। नेक्स्ट, परदेशी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया, परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था, दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसे विदा ली। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। नेक्स्ट, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। देश का वातावरण आज कैसा बन गया है, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा। भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है, मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। नेक्स्ट, भारतवर्ष किसको धर्म रूप में देखता आ रहा है, भारतवर्ष कानून को धर्म रूप में देखता आ रहा है। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था, बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में आ नहीं रहा था। बाबा गंगाधर ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था,
बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज से छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। अब हम देखेंगे LQ लॉन्ग क्वेश्चंस, जो आपको बड़े क्वेश्चन आपके आते हैं वो। सो उसमें फर्स्ट, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है। इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई मार्ग उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आश पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने। नेक्स्ट, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद है। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। नेक्स्ट, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुंचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसकी इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। सेकंड, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राज मुद्रा दी। सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्यु देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। नेक्स्ट, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनके सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए?
शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उसकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है, यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। नेक्स्ट, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। देश के दरिद्रजनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? देश के दरिद्रजनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। उनका यही लक्ष्य है कि कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति अधिक उन्नत और सुचारू बनाए जाए। नेक्स्ट, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? कविवर रविंद्र ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हूँ। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। नेक्स्ट, ये टिप्पणी लिखे है लेकिन ये जो है ये दो या तीन सेंटेंस में ही आता है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हो तो ये भी आ सकता है उसमें। तो फर्स्ट, कर्ण की अभिलाषा, तो उसमें क्या आएगा? कर्ण दानी पुरुष है, वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है। उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है। वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। वह दयालु और उदार वृत्ति का है। गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है। उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपने दान वृत्ति से निर्जनों का दुख दूर करता है। नेक्स्ट, कर्ण का मित्र धर्म। कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने गए। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। नेक्स्ट, मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? रानी लक्ष्मीबाई को अपने प्यारे झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए। उनके साथ ही सेनापति तात्या, राव साहेब, बांदा के नवाब आदि। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज्य की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता था। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव
आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्यायी तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। उसके अन्य शीर्षक ये हो सकते स्वराज्य की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने। नेक्स्ट, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छाटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलासता में डूबे हुए थे। तो उसमें क्या आएगा, जूही, मतलब इसमें डायलॉग दिया है जूही, जानती हूँ महारानी हम विलासता में डूब गए हैं। मुंदर, विलासता में डूबे हैं राव साहेब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ, जब राव साहब के लिए बुलाने इसे आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था।